हेलो स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ भी कह सकते हैं इसको। तो जो ह्यूमन जो टीथ होता है वो आपको पता है कि डेंटाइट टिश्यू का बना होता है। किसका बना होगा? तो डेंटाइट टिश्यू का बना होगा। और ये जो होता है हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो इसका जो होता है तो किससे होता है? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन। कैसा होगा? एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन। यहाँ पे देखिए, जो हमारा जो टूथ होता है वो हमारा जो टूथ होगा ह्यूमन जो टूथ होता है वो अटैच होगा। अटैच किससे होता है? तो मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन से क्या होता है? अटैच होगा। किससे अटैच होता है? तो ह्यूमन जो टूथ होता है वो अटैच होगा मैक्सिला एंड मैंडिबल्स बोन से अटैच होता है। यहाँ लिख देते हैं मैक्सिला मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन से अटैच होता है। अटैच्ड किससे अटैच होगा? तो हमारा जो हमारा ह्यूमन टीथ होता है वो मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन से अटैच होता है। यहाँ पे देखिए, जो ह्यूमन जो टीथ टूथ होता है उस टूथ को हम बात किया जाए तो किसी कोई ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें हमारा जो टीथ होता है वो जीवन में केवल एक बार ही उगता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलेंगे, स्टॉम को बोला जाता है मोनोफियोडॉट। क्या बोलेंगे? मोनोफियोडॉट। यहाँ पे एक टर्म मैंने वो लिखा है थीकोडॉट। जो ह्यूमन टीथ होता है वो हड्डियों के बीच एक सॉकेट में फिक्स होता है। जो ह्यूमन हार्ट होगा वो हड्डियों के बीच में एक सॉकेट में फिट होता है या फिक्स होता है। तो ऐसे टूथ को हम लोग क्या कहते हैं या ऐसे टिप को क्या बोला जाएगा? तो ऐसे दांत को हम लोग बोलेंगे थीको डॉट। क्या बोलेंगे? थीको डॉट। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो होगा डाइफियोडॉट। जैसे ह्यूमन बॉडी के केस में देखा जाए तो हमारे दांत जो होते हैं जीवन में दो बार निकलते हैं, तो ऐसे दांत को क्या बोला जाएगा? डाइफियोडॉट। यहाँ पे लिखा गया है डाइफियोडॉट। तो ऐसे टिप जो जीवन में दो बार निकले ऐसे टिप को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइफियो डॉट। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है हेट्रोडॉट। जो ह्यूमन जो टिप होता है वो फोर टाइप्स के होंगे, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ऐसे टिप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे टिप को बोला जाएगा हेट्रोडॉट। यहाँ पे देखिए, मैंने एक सिंपल टूथ का स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें इसके जो अपर पार्ट्स होते हैं वो हमारा क्या पार्ट्स हो जाएगा? तो इनेमल होगा। इट इज द वेरी हार्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट्स होता है वो हमारा क्या बोलते हैं इसको? डेंटाइन। जो हमारा टीथ होता है वो एक टिश्यू से मेड अप होता है जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन टिश्यू। नेक्स्ट जो होता है हमारा जो टीथ होता है उसकी टिप के दोनों साइड्स पे हमारे क्या होते हैं? गम, मींस मसूड़ों से ये क्या होता है? कवर्ड होता है। तो दोनों साइड्स का जो हमारा टिप जो होगा वो आपको पता है कि दोनों साइड से वो गम के थ्रू कवर्ड होता है, इम्बेडेड टू द गम्स। नेक्स्ट हमारा जो होगा इसके अंदर जो होता है एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं पल्प, इन पल्प कैविटी, या हम बोल सकते हैं पल्प कैविटी। उस पल्प कैविटी के अंदर जो होते हैं नर्व्स और हमारे ब्लड फ्लो के लिए ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो जो हमारा क्या करती है? ब्लड को सप्लाई करेंगे। नर्व्स जो होता है हमारा स्टिमुलेंट्स को क्या करती है? वो सप्लाई करेंगी या ट्रांसमिट्स करती हैं या ट्रांसमिटेड करती हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे बॉडी में या झंझनाहट जो दांत में जो होता है झंझनाहट होगी या आप कह सकते हैं कि ठंडे गर्म का जो हमको फील कराती है तो कौन कराता है? तो नर्व्स कराती है। ब्लड का सप्लाई जो होता है हमारे यहाँ से एज ए कह सकते हैं रूट पोर्शन से ब्लड का सप्लाई होता है और कहाँ पे जाता है? ये पल्प कैविटी तक जाता है। जो दांत जो हमारे जो टूथ होता है वो दोनों साइड्स में क्या होते हैं? सीमेंटम से क्या होते हैं? ऐसे फिक्स होते हैं। सीमेंटम से क्या होंगे? फिक्स होते हैं। इसको सपोर्ट करने का फंक्शन जो होता है सीमेंटम लेयर करता है। नेक्स्ट आपका जो होता है यहाँ पे रूट कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। रूट कैनाल्स के अंदर ही हमारे जो होते हैं क्या प्रेजेंट होंगे? तो आपको पता है कि आर्टरीज और वेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और नर्व फाइबर भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जो हमारे जो टूथ जो होते हैं दोनों साइड से बोन्स के थ्रू अटैच होते हैं, उस बोन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो एरियोलर बोन कहते हैं। क्या बोलेंगे? एरियोलर बोन्स कहते हैं। तो एरियोलर बोन्स ये क्या होते हैं? हमारे अटैच होते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट से वो
कि टूथ के कितने पार्ट्स होते हैं। तो टूथ जो होता है वो हमारे जो होंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अपर पार्ट्स होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन्स कहेंगे, और इसके मिडिल पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं नेक, और लास्ट पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, रूट। रूट के अंदर ही आपके ब्लड कैपिलरीज और हमारे नर्व फाइबर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट नेक जो होता है उसके अंदर गम्स होती है, गम्स जो होती है एम्बेडेड टू द टीथ। और नेक्स्ट हमारा जो होता है क्राउन, क्राउन जो होगा इसके अंदर हमारे जो होंगे डेंटाइन पार्ट्स आएंगे और हमारे इनेमल पार्ट्स जो होते हैं क्राउन के अंदर आते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, जो टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होंगे, इंसीजर, कैनाइंस, प्री मोलर एंड मोलर। कौन कौन से होंगे, इंसीजर, कैनाइंस, प्री मोलर एंड मोलर। जो इंसीजर टीथ जो होता है उसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको जो होता है सी से, और इसको हमारा जो होगा स्मॉल पी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर को यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग आई से, या हम इसको बोल सकते हैं स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंसीजर, तो ऐसे इन सिंबल्स में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 3 फॉर्मूला होते हैं, वो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। पहले तो बताएंगे चाइल्ड, तो चाइल्ड का जो होता है हमारा इंसीजर आप ऐसे लिख सकते हैं 2/2, कैनाइंस 1/1, प्री मोलर्स 0/0, और यहाँ जो होता है हमारा 2/2। ये आपको दिख रहा है, यहाँ भी मैंने इसको ऐड कर लेंगे, ऊपर ऊपर सबको आप ऐड करेंगे, ऊपर ऊपर सबको आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो और 2 1 3 हो जाएंगे, 2 5 हो जाएंगे, 5 और नीचे भी ऐसे ऐड करके 5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जॉ कितने हैं, 2 जॉ है, अपर जॉ है, 2 जॉस, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितने नंबर हो जाएंगे, 10/10, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो जाएंगे, 20। एज ए चाइल्ड में कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं, तो कितने होंगे, 20 होंगे। आप ये फॉर्मूला सीख लेंगे। नेक्स्ट 17 ईयर का जो या जो ओल्ड जो बेबी होगा या जो भी एडल्ट होंगे, तो उसमें क्या होगा, इंसीजर जो होगा हमारा सेम होगा 2/2, कैनाइंस भी सेम होगा, प्री मोलर्स 2/2 हो जाएंगे, मोलर जो होंगे सेम होंगे 2/2, सबको जोड़ लेंगे, ऊपर ऊपर ऐड कर लेंगे, 4 5 हो जाएंगे, तो 7/7 जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे, 28 नंबर ऑफ टीथ हमारे 70 ईयर ओल्ड एडल्ट के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं। कितने टीथ, तो 28 टीथ। नेक्स्ट होता है हमारा एडल्ट में सेम होगा इंसीजर 2/2, कैनाइंस 1/1, पीएम, पीएम जो होंगे ये भी हमारे क्या होंगे, 2/2 हो जाएंगे, और यम जो होगा हमारा 3/3 हो जाएगा, कितना होगा, 3/3 होगा। तो इसको ऊपर ऊपर ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 6 6 2 8, 8/8 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने हो जाएंगे, 16/16, टोटल नंबर ऑफ टीथ इज 32। ये आप ऐड कर लीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक हो जाएगा वो कौन सा टॉपिक होगा, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ओसोफेगस, एंड ओसोफेगस के पास हम लोग स्टार्ट किया जाएगा स्टमच। दोनों टॉपिक में एक ही में दूंगा, ओसोफेगस एंड स्टमच।